तो गाइज ये वाला केक मैंने बनाया, देख सकते हो कलरफुल है, और ये वाला मार्केट वाला केक है। तो पहले खाते हैं मार्केट वाला और मैं बताता हूँ कैसा। Hey, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और एक्साइटिंग ब्लॉग में। आज का ब्लॉग दोस्तों बहुत अमेजिंग होने वाला है। आप लोग देख सकते हो मेरे पास बहुत सारे ओरियो के बिस्किट पड़े हुए हैं, दूध का पैकेट पड़ा हुआ है, बड़ी वाली डेयरी मिल्क चॉकलेट पड़ी हुई है। तो इस सब का हम क्या करने वाले हैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि अमेजिंग वीडियोस आपको रोजाना मिलती रहे। तो दोस्तों सिचुएशन ऐसी है, देखो गाइस अभी टाइम हो रहा है, अभी 9:22 हो रहे हैं, 12 बजे मेरे पापा का बर्थडे आने वाला है, मतलब सिर्फ 2.5 घंटे रह गए। तो मैंने सोचा भाई आज उनके लिए केक बनाते हैं, बनाए नहीं मैंने कभी पहले, पर YouTube वीडियोस देखकर केक बनाएंगे उनके लिए, और साथ ही साथ तो पापा के लिए केक बनाएंगे और एक केक मार्केट से खरीद कर लेकर आएंगे जैसे हर बार करते हैं। तो इस बार मैंने सोचा केक बनाता हूँ खुद से और देखते हैं क्या बेसिकली कंटेंट हो जाएगा यार व्लॉग के लिए। ओके, तो पापा को टेस्ट कराएंगे दोनों केक, बाहर वाला केक भी और जो मैंने बनाया केक वो वाला भी। कोशिश करूंगा बाहर वाले केक से ज्यादा अच्छा केक बना लूं, फर्स्ट टाइम में भाई ट्राई करने की पूरी कोशिश करेगा आपका भाई। इसी बात पे भाई के एफर्ट्स के लिए जो भाई ने सोचा है, एक लाइक तो बनता है, तो लाइक कर देना। और अभी बाहर चलते हैं क्योंकि वैसे भी लेट हो गया काफी, और दिल्ली में 10:30 के बाद शॉप्स क्लोज हो जाती हैं, तो मुझे भागना पड़ेगा और केक लेके आना पड़ेगा। तो चलते हैं सीधे गाड़ी में। तो गाइस अभी हम चल रहे हैं केक लेने, और पापा का फेवरेट जो फ्लेवर है वो चॉको ट्रफल है, तो ट्रफल केक लेते हैं। और मैं ओरियो केक खुद से बनाने वाला हूं, जैसे कि आप लोगों को पता है ओरियो बिस्किट बिस्किट ले लिए, तो वो भी काफी सही होगा। आई होप सही हो यार, बहुत मेहनत से बनाऊंगा, आप लोगों को दिखेगा, पूरी रेसिपी बताएंगे क्या होता है, मैं खुद सीखूंगा और आप लोगों को बता रहा हूँ, बट चलो एटलीस्ट आप लोगों को देखने में तो मजा आएगा। चलो शॉप पे मिलते हैं आपसे। गाइज आप लोग ये कार देख रहे हो सामने, टैक्सी वाली जिसकी हेडलाइट जल रही है, भाई इसने गलत घुसेड़ दी और सबको जाम में फंसा दिया। ऐसे लोगों पर बहुत गुस्सा आती है कभी कभी, फालतू में लेट करवा रहा है यार ये। यार वाइट क्यों है, इसका कलर बदलो, येल्लो अपना फेवरेट है, येल्लो रखते हैं। गाइज हम केक्स ले आए हैं, आप लोग सोच रहे होंगे दो केक्स क्यों लाया हूँ, बेसिकली शॉप पर अवेलेबल नहीं था, हाफ केजी के केक्स मिले हैं तो मैंने दो ले लिए हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ। चॉको ट्रफल लिया है, तो गाइज ये केक है, ये तो हो गया मार्केट वाला केक, अभी हम अपना केक बनाने वाले हैं। उसके लिए सारी सामग्री हमारे पास है, ओरियो है, दूध है, चॉकलेट सिरप बनाने के लिए चॉकलेट है, थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए जेम्स भी है। टेस्टी। 11:16 हो गए हैं, तो सिर्फ हमारे पास 45 मिनट्स हैं। 45 मिनट्स में वीडियो देखते हुए केक भी बनाना है, और केक बनाने के बाद उसे ठंडा भी करना है, तो यार मुझे लगता है लेट ना हो जाए, जल्दी से काम शुरू करना पड़ेगा। काम शुरू करते हैं गाइस जल्दी जल्दी। दूसरा वाला कराया मैं, कटवाएंगे तो ये वाला। तो गाइज हमने ऐसा चूरा सा बना लिया है, मिक्सी में इसको मिक्स कर लिया है, ओरियो बिस्किट्स ही हैं ये, तो आप चाहो तो इसको आप ही सकते हो। अब हम क्या करेंगे इसमें, तो स्लोली स्लोली थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे जहां तक मैंने अभी तक सीखा है, और इसको मिक्स करेंगे, एक साथ मिक्स नहीं करेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। सीख रहा हूँ मैं भी, मतलब 2 मिनट पहले कुकिंग चैनल पर सीखता हूँ फिर आपको सिखाता हूँ। तो इसको ऐसे मिक्स करेंगे, और इसको तब तक मिक्स करते रहेंगे जब तक ये पतला ना हो जाए, मतलब इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी पतली हो जानी चाहिए, अभी तो बिल्कुल ऐसा है जैसे सीमेंट हो। गाइस जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, और इसमें करने में काफ़ी टाइम लग रहा है। थोड़ा सा दूध और डालेंगे, ऑलमोस्ट हो ही गया है, बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है भाई, हाथ दर्द हो गए यार, ये हो ही नहीं रहा है इससे पतला। तो थोड़े सा दूध का चढ़ावा और देते हैं यार। एक चीज़ है, दूध ओरियो तो हम सभी ने खाया होगा, लेकिन कभी ऐसे इस फॉर्म में खाया दूध ओरियो, मन ही नहीं करेगा खाने का, क्योंकि पहले सीमेंट जैसा लग रहा था और अब ये चमनप्राश जैसा लग रहा है, देख सकते हो पूरे चमनप्राश लग रहा है, और चमनप्राश तो भाई किसी को भी नहीं पसंद, मतलब मुझे तो नहीं पसंद बिल्कुल। अरे सुमित कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, ये तक जा रहा हूँ। तो चमनप्राश खा के जाओ, दिन अच्छा बनता है। अरे ओरियो है। तो गाइस अभी ऑलमोस्ट परफेक्ट हो गया है, ऐसा ही देखा था मैंने वीडियो में, इतनी पतली कंसिस्टेंसी थी और बिल्कुल ऐसा ही हो गया, मतलब बढ़िया हो गया। अब इसको क्या करना है, हमें माइक्रोवेव करना है,
तो नीचे चलते हैं किचन में और माइक्रोवेव करते हैं, लेकिन मुझे पीछे के रास्ते से जाना पड़ेगा क्योंकि सामने वाले फ्रंट डोर से घुसूंगा तो पापा को पता चल जाएगा कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है, तो इस वजह से वैसे भी मैं ज्यादा किचन में जाता नहीं हूँ तो समझ जाएंगे, इसलिए पीछे से जाना पड़ेगा। चलते हैं, आ जाओ। किचन में आ चुके हैं गाइस, उसको जल्दी से माइक्रोवेव कर देते हैं। तो गाइस अभी हम इनो डालने वाले हैं अपने केक के बैटर में, क्योंकि इनो से वो फ्लफी बन जाएगा, उसी की वजह से बेक हो पाएगा अच्छे से। अगर इनो नहीं डालेंगे तो फिर हमें बेकिंग सोडा वगैरह कुछ तो डालना पड़ेगा, बट वीडियो में इनो देखा है मैंने तो इनो डालेंगे, रिस्क नहीं लेना चाहता भाई मैं, वैसे भी टाइम कम बचा है, 11:30 हो गए। तो गाइस हमने 10 मिनट के लिए माइक्रोवेव करने के लिए रखा है, 10 मिनट बाद देखते हैं केक की क्या हालत है। बहुत मेहनत लगी है गाइस, आई होप अच्छा बन जाए, मतलब कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए यार, प्लीज भगवान आज साथ दे दो बस मेरा। तो यहाँ पे सुमित जो है वो चॉकलेट सॉस बना रहा है जिससे हम ड्रेसिंग करेंगे केक के ऊपर। ब्रो दिखा, गर्म है क्या? अभी गर्म है। हाँ, तो ये चॉकलेट सॉस बन रही है, काफी गाढ़ी है अभी, इसको थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी पतली करेंगे और इसको केक के ऊपर बिछाएंगे, लगाएंगे ताकि अच्छा सा चॉकलेट फ्लेवर वाला लुक दे। तो हमारा ओरियो चॉकलेट केक है, मतलब ऐसे ही कुछ बनने वाला है क्योंकि बिस्किट तो ओरियो यूज करें। तो गाइस हमने माइक्रोवेव में से निकाल लिया है, काफी गर्म है और ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया, 8:30 में हमारा काम हो गया। तो अब हम इसको इस वाले प्लेट में करने वाले हैं। मोमेंट ऑफ ट्रूथ गाइस, देखते हैं कैसा बना है। ठीक है, इसके ऊपर ड्रेसिंग करेंगे, मतलब काफी सही लग रहा है उस हिसाब से। तो गाइस इसके ऊपर चॉकलेट सॉस डालने वाले हैं और अच्छे से इसकी डेकोरेशन करने वाले हैं। चॉकलेट सॉस बेसिकली हमने डेयरी मिल्क चॉकलेट से ही बनाई है, जो आपने देखी थी अभी। तो अब इसमें हम जेम्स डालेंगे बस, और ऑलमोस्ट हमारा काम हो ही गया है। बस एक दिक्कत हो गई है गाइस, हमारे पास टाइम नहीं बचा है, ऑलमोस्ट 11:55 हो गए हैं, तो 5 मिनट हैं और 5 मिनट में हम इसके सिर्फ शॉर्ट्स ही आपको दिखा सकते हैं, तो इसे गरम गरम ही कटवाना पड़ेगा, मतलब गरम केक हो गए आज, फर्स्ट टाइम गरम गरम केक कटेगा। गाइज लग कितना तगड़ा रहा है केक, देख सकते हो कितना सॉफ्ट बना है, मन तो कर रहा है अभी खा दूँ इसको, लेकिन ऑलमोस्ट टाइम हो गया तो चलो केक कटिंग करवाते हैं, एंड में कटवाऊंगा ये वाला केक एकदम एंड में। गाइज मेहनत सफल हुई हमारी, भगवान ने सुन ली, चलो चलते हैं कटवाते हैं केक कटिंग का, टाइम भी हो गया ऑलमोस्ट 11:59, तो 1 मिनट बचा है, चलो गाइज आ जाओ। गाइज अब बारी अपने कस्टम केक की, इसे कटवाते हैं, हेलो। तो गाइज अब मोमेंट ऑफ ट्रुथ, मेरे पास बाजार वाला केक भी है और जो मैंने खुद बनाया बड़ी मेहनत से वो वाला केक भी है, तो अभी हम इसका टेस्ट टेस्ट करने वाले हैं और बताता हूँ मैं आप लोगों को कौन सा ज्यादा अच्छा लगने वाला है। वैसे मैं बायस्ड रहने वाला हूँ और आप सभी को मेरा आंसर बताइए, यार मैंने खुद बनाया तो यही अच्छा लगेगा। चलो चेक करते हैं। तो गाइज ये वाला केक मैंने बनाया, देख सकते हो कलरफुल है, और ये वाला मार्केट वाला केक है, तो पहले खाते हैं मार्केट वाला और मैं बताता हूँ कैसा है। जैसा होता है वैसा ही है, बढ़िया है। अब ये खाते हैं, ये ज्यादा अच्छा है भाई, मतलब इसमें ना थोड़ा टेक्सचर ना बहुत अलग आ रहा है। अच्छा ठीक है, सीरियस बात करते हैं गाइस, सच में बहुत अच्छा है, मतलब मैंने बनाया मुझे अच्छा लगेगा ही, प्लस इसमें सारी चीजें हमने चॉकलेट वाली यूज करी है ना, ओरियो हो गया और चॉकलेट डेयरी मिल्क हो गई, तो इस वजह से फ्लेवर काफी रिच है चॉकलेट में और ज्यादा मीठा भी नहीं, क्योंकि एडिशनली हमने इसमें शुगर नहीं डाली, जो बिस्किट्स में था वही है, उस वजह से काफी अच्छा लग रहा है। बस एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी ये काफी गर्म है, हमारे पास टाइम नहीं था आप लोगों को पता है, तो उस वजह से काफी सही तरीके से ठंडा नहीं हो पाया ये, तो सेट नहीं हुआ है, काफी सॉफ्ट है, देख सकते हो काफी काफी फ्लफी है, तो उस वजह से थोड़ा सा गर्म लग रहा है अभी अंदर से, लेकिन थोड़ी देर में 1-1.5 घंटे में जब हम इसे फ्रिज में रखेंगे तो काफी सही हो जाएगा। मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया और मैं इसे सारा खाऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताओ किससे रिलेटेड टॉपिक्स पर आप व्लॉग्स देखना चाहते हो। मेरे दिमाग में बहुत टॉपिक्स हैं और मैंने सब नोट डाउन करके रखे हुए हैं, इन फ्यूचर आपको सभी पे पॉइंट बाय पॉइंट वीडियोज या व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। अभी के लिए आप लोग बताओ कमेंट में ये व्लॉग कैसा लगा, आई होप अच्छा लगा होगा क्योंकि बहुत मेहनत और दिल से बनाया भाई ये व्लॉग, मतलब इस वाले केक का प्राइस 500 रुपीज, इस वाले केक का प्राइस ऑलमोस्ट 200 रुपीज 250 रुपीज, लेकिन वैल्यू उसकी 500 रुपीज ही है, इसकी प्राइसलेस है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए आप लोग अपना, टेक केयर, बाय बाय एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट ब्लॉग।